guys, welcome back to my channel. I'm back with another video, and this time I have ordered Athena dresses that 2,000 rupees from Myntra. And here are the dresses. So yes, let's begin with this video. सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं. ओके, सो ये ब्लैक सॉलिड ड्रेस है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है ये. यहाँ पे रफल की डिटेलिंग की गई है. ये ऑफ शोल्डर ऐसे आएगी, एंड ये है इसकी फुल लॉन्ग स्लीव्स, पफ स्लीव्स है ये. एंड दिस इज द ड्रेस. एंड यहाँ पे ना ये नॉट भी दी हुई है टाई करने के लिए. ये नॉट दी हुई है. ये पूरी ड्रेस पूरे में रफल की डिटेलिंग की गई है, एंड इसका फैब्रिक लेकिन पॉलिएस्टर है. पॉलिएस्टर समर्स के लिए तो इतना सही नहीं होता, मतलब इतना ब्रीदेबल नहीं होता. एंड इसको एज सच किसी और फाइबर के साथ इसको ब्लेंड भी नहीं किया है, तो आई डोंट नो कि ये कैसा होगा फैब्रिक, कंफर्टेबल होगा, ब्रीदेबल होगा या नहीं, बट वो पहनने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी. सेकेंडली इसका प्राइस था 1,119. This is the dress. अब इसको try करके देखते हैं कि कैसी लगेगी. ये है वो dress. अब ऐसे इसकी knot को ऐसे भांग सकते हैं, आगे से भी या फिर पीछे से भी, कैसे भी ऐसे side में भी भांग सकते हैं आप, तो कैसे भी आप tie कर सकते हैं. मैं अभी नहीं कर रही हूँ, अकेले ना अच्छे से हो नहीं पाता मुझे tie. So ये है वो dress, and इसके अंदर भी lining दी है, तो आपको ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ दिखेगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये है अब हमारी नेक्स्ट ड्रेस फ्रॉम द सेम ब्रांड, और ये पर्पल प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस है. ये स्ट्रैपलेस मैक्सी ड्रेस है ये. दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगी. एंड मैंने ये वाली डिजाइन प्रिंट मैंने ऑर्डर किया था. इसमें और दो तीन प्रिंट और हैं, अगर आपको और कोई पसंद आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं. एंड इसका प्राइस था 1,597. सो पूरी मैक्सी ड्रेस है ये. अगर किसी को मैक्सी ड्रेसेस पसंद है तो वो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं. एंड इसका फैब्रिक नायलॉन है, तो ऑफकोर्स ये ड्यूरेबल है ये ड्रेस, बट ये शायद उतना ब्रीदेबल फैब्रिक ना हो शायद. एंड आपको ये भी टेंशन नहीं लेने की कुछ अंदर से विजिबल होगा, आपको इसके अंडर नीथ कुछ पहनना है ऐसा कुछ नहीं है. इसके अंदर ऑलरेडी लाइनिंग दी हुई है, एज यू कैन सी ये लाइनिंग दी हुई है ऑलरेडी इसके अंदर. तो बहुत सही है ये. दो नायलॉन ऐसे समर्स के लिए इतना रिकमेंड नहीं होता है, बट अगर उसके अंदर प्रॉपर्टीज है जो समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है. इसको पहन के मैं बता पाऊँगी कितनी कंफर्टेबल है, कितनी ब्रीदेबल है, और ये ड्रेस स्ट्रेचेबल भी है. सो बहुत ज़्यादा सही लगती है. सब इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसी लगेगी. इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, मुझे बहुत परफेक्ट लग रही है ये ड्रेस. कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है, सो अच्छी लग रही है मुझे ये ड्रेस. एंड मैक्सी ड्रेस है ये. अगर किसी को लॉन्ग ड्रेसेस पहनना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है ये हमारी येलो कलर की ड्रेस. सो अबव नी लेंथ ड्रेस है ये. यहाँ पे ये कॉर्साज की डिटेलिंग की गई है, बहुत सही लग रही है ये डिटेलिंग. इस डिटेलिंग की वजह से मैंने इसको लिया था. इसका मीडियम साइज है, मतलब जितने भी दिखाए सबका मैंने मीडियम साइज ही ऑर्डर किया है. एंड इसका प्राइस है 1,199. बट जिसमें मुझे सिर्फ एक इशू लग रहा है, वो है इसका फैब्रिक. इसका फैब्रिक है स्कूबा. स्कूबा यूजुअली समर्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, वो इतना कम्फर्टेबल इतना ब्रीदेबल नहीं होता. स्ट्रेचेबल ऑफकोर्स होता है, ड्यूरेबल होता है, सब होता है, बट इतना कंफर्टेबल स्पेशली समर्स में इतना नहीं होता है. एंड थोड़ा थिक होता है ये फैब्रिक. इसको भी हम ट्राई करके देखेंगे कि कैसी लगेगी. एंड काफ़ी अच्छी लग रही है ये ड्रेस. इसकी ये फ्लावर की डिटेलिंग भी बहुत प्रिटी लग रही है. अब नीलन ड्रेस है ये.
जैसे इसका फैब्रिक था स्कूबा, बट उस हिसाब से मुझे काफी कंफर्टेबल लग रही है, ब्रीदेबल है, स्ट्रेचेबल है. स्ट्रेचेबल तो ऑफकोर्स ये फैब्रिक होता ही है. मैं सच अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ इसको पहनने के बाद, एंड कंफर्टेबल हूँ, एंड फिट भी इसका काफी अच्छा है. सो नेक्स्ट है फ्यूशिया कलर में ड्रेस. ये भी मैंने मीडियम साइज में ही ऑर्डर किया है. ओके, सो इसका प्राइस है 1800. यहाँ पे ये वर्क किया गया है, यहाँ पे ना ये कटआउट डिटेलिंग भी है. यहाँ पर मिडी ड्रेस है ये. सो ये बेसिकली पार्टी वेयर ड्रेस है. राउंड नेक है इसका, स्लीवलेस ड्रेस है ये, एंड इसका फैब्रिक है पॉलिएस्टर. कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका, जैसा पिक में शो हुआ था सिमिलर वैसी ही ड्रेस है ये. इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है. ये आउटफिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. पहली बात तो ये बहुत ज्यादा थिक है, इसका फैब्रिक हद से ज्यादा थिक है, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है ये. आई डोंट नो व्हाई, मटेरियल ही अच्छा नहीं है, एंड समर्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं. जल्दी से इस पैकेज को भी खोल के अपनी और ड्रेसेस देख लेते हैं. ओके, सो इस पैकेज में हमारी दो ड्रेसेस. तो सबसे पहले हम ये वाले ड्रेस देखेंगे. ये एक्चुअली मेरे से ना एक गलती हो गई, मैं अभी तक अथीना ब्रांड के मैं ड्रेसेस दिखा रही थी, बट ये अथिया ब्रांड है, तो मुझे लगा सिमिलर ब्रांड है बट ये डिफरेंट ब्रांड है. बट अब आगे तो मैं दिखाई देती हूँ इसका भी. सो ये है वो वी नेक फ्लेयर ड्रेस. यहाँ पे कटदाना का वर्क है इसकी नेक पर, फ्लेयर्ड स्लीव्स है इसकी, ये इसकी स्लीव्स, पूरा फ्लेयर्ड ड्रेस है ये. अबव नीलैंड ड्रेस है ये, ग्रीन कलर की बहुत प्रिटी ड्रेस है ये. मीडियम साइज में मैंने ऑर्डर किया, इसका प्राइस है 1199. सो यहाँ पे पीछे ये इलास्टिक भी दी है. तो फैब्रिक है शिफॉन, जबकि ऑब्वियसली समर्स के लिए बहुत सही है, ब्रीदेबल फैब्रिक है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा है ये. तो ये है इसकी स्लीव्स, पूरी फ्लेयर स्लीव्स हैं, बहुत अच्छी लग रही है ये ड्रेस. एंड ये नीलैंड ड्रेस है ये, और मुझे लगा था अबव नीलैंड ड्रेस है बट ये नीलैंड ड्रेस है. बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है ये, एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है ये, फिट भी मुझे बहुत अच्छे से आया है. एंड इस ड्रेस के अंदर लाइनिंग है ऑलरेडी, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. अब ये है हमारी नेक्स्ट. इट्स अ स्ट्रैपलेस ड्रेस, मैक्सी ड्रेस है ये, मीडियम साइज में मैंने ऑर्डर की थी. पॉलिएस्टर इसका फैब्रिक है, एंड इसका प्राइस है 1204. एसिमेट्रिक है, मैं इसका नीचे से यहाँ पे ये रफल की डिटेलिंग है, और इसमें ना बहुत डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे. मैंने मैरून कलर किया बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था, ब्लू ब्लैक भी कलर अवेलेबल था, अगर आपको वो कलर पसंद आ रहे तो आप वो भी कर सकते हैं. सॉलिड ड्रेस है, सच कोई वर्क नहीं है, सिर्फ डिटेलिंग की गई है यहाँ पे, रफल डिटेलिंग है, और ये अच्छी लग रही है ड्रेस. बट इसका मेरे को फैब्रिक का इशू है, पॉलिएस्टर फैब्रिक है, और आई विश कंफर्टेबल हो थोड़ा, बट ये ऑफकोर्स थोड़ा थिक है. इससे पहले जो मैंने दिखाया था शिफॉन वाला, वो ज्यादा बेटर फैब्रिक है एज कम्पेयर टू पॉलिएस्टर, समर्स में स्पेशली. मुझे इसका फैब्रिक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बहुत कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ये फैब्रिक इसका, एंड समर्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है मुझे इसका फैब्रिक. ड्रेस अच्छी है नो डाउट, डिटेलिंग अच्छी की है इस ड्रेस की, बट फैब्रिक का इशू है मुझे, और एज सच कोई इशू नहीं है इस ड्रेस में. ये है हमारी सेकेंड लास्ट ड्रेस, येलो कलर में ये ड्रेस है, प्रीटी ऑफ शोल्डर ड्रेस है ये. इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे जो कोसाज की जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, सो इस वजह से ये मैंने परचेज की थी. एंड बहुत ज्यादा प्रिटी है ये ड्रेस, अबव नीलैंड ड्रेस है ये, इसका फैब्रिक स्कूबा है, एंड इसका प्राइस है 1091. एंड यहाँ पे ये इलास्टिक है, अगर आपको ये पसंद आ रही है एंड इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर दिस, तो और भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं. बट मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज किया है. नीलैंड ड्रेस है ये, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये डिटेलिंग बहुत प्रीटी लग रही है,
ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे कंफर्टेबल है, फिटिंग अच्छी है इसकी, सब अच्छा है। बस यहाँ पे आपको फिर भी जो फैशन टेप आता है उससे आपको एक बार सिक्योर करना पड़ेगा। मैंने इसको नॉट भी भांगे, आप चाहे तो शायद इसको रिमूव भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट। हाँ, ये ऐसे रिमूव भी हो जाता है अगर आपको ये नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे चाहिए, बट वैसे ही रहेगा। और ना आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे घुसाकर, वेट, जैसे आपने इसको ऐसे अंदर यहाँ पे लिया, फिर आप इसको ना ऐसे करके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से, मैं तो बिल्कुल अच्छे से ट्राई नहीं करती हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं ट्राई, कैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने किया था वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ही छोड़ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अपने स्टाइल में कैसे भी इसको ट्राई करके पहन सकते हैं। तो ये है अब हमारी लास्ट ड्रेस, ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर फ्रिंज ड्रेस है ये। ये ड्रेस उठाइए, ये ड्रेस कुछ ऐसे आएगी, ऐसे ऑफ शोल्डर है ये, मिनी ड्रेस है। इसका फैब्रिक भी सेम है, स्कूबा है इसका फैब्रिक। इसका प्राइस है 989। बहुत सिंपल ड्रेस है, इसमें बस यहाँ पे फ्रिंजेस अटैच्ड है और ऐसे जिसपे कोई वर्क नहीं है, सॉलिड ड्रेस है, बस ये फ्रिंजेस हैं। सो पार्टी वेयर ड्रेस है, आप कहीं भी किसी भी पार्टी में पहन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्लिंगी सा आउटफिट नहीं पसंद है, बहुत सॉलिड पसंद है, तो आप ऐसी ड्रेसेस पहन सकते हैं। इस ड्रेस के साथ सिर्फ मुझे एक इशू आ रहा है, ये जो इसके फ्रिंजेस है ना, ये निकल रहे हैं और थोड़ा इसको पहनने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, थोड़ा यहाँ से टाइट भी है और इसके ये निकल रहे हैं, इसके जो फ्रिंजेस हैं। वैसे तो ये ऑफकोर्स सॉलिड परफेक्ट ड्रेस है, मिनी ड्रेस है ये, अच्छी लग रही है नो डाउट, बट ये इशू ही निकल ही जाएंगे तो इस ड्रेस का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल सॉलिड है, सिंपल है, सो कोई पॉइंट भी नहीं है इस ड्रेस को लेने का, एंड मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। So yes, that's it for my video. I hope you like my video. If you like my video, do subscribe to my channel and hit the like button.